पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के निर्देश दे दिए हैं। 5 जून को होगी अब आपातकाल बैठक। ये पानी की समस्या का करना होगा समाधान, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि दिल्ली को पानी देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने पानी देने का विरोध किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी की समस्या का समाधान तो करना ही होगा, आम जनता को तो पानी मिलना ही होगा। और अदालत में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि दिल्ली को पानी देने को तैयार है। तो हिमाचल प्रदेश पानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा पानी देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इसे कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त बुवाई का वक्त शुरू हो गया है, तो अपने हिस्से का पानी हरियाणा देने से हिचक रहा है। हालांकि हरियाणा ये लगातार कहता आ रहा है कि जो दिल्ली के हिस्से का पानी है वह उसको समय समय पर हम मुहैया करा रहे हैं। जो आरोप दिल्ली सरकार हम पर लगा रही है वो बेबुनियाद है। आप में रखरखाव की कमी है, आप अपने जल को रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं और अब आप लगातार हरियाणा के हिस्से का पानी मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि बढ़ते जल संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा और कहा था कि आप 3 महीने का अतिरिक्त पानी मुहैया कराएं। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार बैठक रखे जिसमें समस्या का समाधान करना होगा। देखिए, दिल्ली वालों को पानी मिलना होगा, इस पर संजीदगी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार को आदेश दिया है, कहा है कि पानी की समस्या का समाधान करना होगा। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि देखिए हरियाणा सरकार जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और इसी वजह से पानी नहीं मिल रहा है।